हेलो। सो आज अपन करेंगे डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशन इन एडोब फोटोशॉप। सो सबसे पहले हम एक रफ़ स्केच तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही पेन से एक रफ़ स्केच तैयार किया है। अगर आपने स्केच नहीं करना है तो कोई नहीं, आप इंटरनेट से कोई भी एक टैम्पलेट ले सकते हो, जिसे आप एडोब फोटोशॉप पे या एडोब इलस्ट्रेटर पे पेस्ट करके और आप उस पर वर्क कर सकते हो। इतनी डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे, वैसे आप चाहो तो डिटेल्स दे सकते हो, अदरवाइज़ हम वहाँ पे शेडिंग और बोरिंग टूल वगैरह यूज़ करके हाईलाइट और शेड वगैरह दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इमेज कॉपी करी, फिर यहाँ पे पेस्ट करके कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म किया, एडजस्ट करके और एंटर कर दिया। फिर हमने एक न्यू लेयर ली, उसको हमने उसका नेम रखा, जो भी टैम्पलेट सेकेंड या फिर कुछ भी। हमारी जो मेन टैम्पलेट है वो हमारी जो फ़ोटो है जिसका बैकग्राउंड के साथ है, सेकेंड वाली इमेज, जो सेकेंड वाली लेयर है वो हमारा सेकेंड इमेज है, और ये जो लेयर है हम इस पर वर्क करने वाले हैं। फिर हमने ब्रश टूल लेना है, हार्ड राउंड ब्रश हम सेटिंग रखेंगे। फिर हमने इसे ट्रेस कर लेना है ब्रश टूल की हेल्प से। हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं ब्रश की साइज को, और फिर हम इसको आराम से ट्रेस करते चले जाएंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है फैशन इलस्ट्रेटर पे, डिजिटल फैशन इलस्ट्रेटर पे, बट ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को हिंदी में चाहिए होती है, तो फिर मैंने इसका एक अलग से हिंदी में भी एक वीडियो बनाई, क्योंकि जब मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी तो मुझे भी नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सर्च किया, कभी कभी एक टाइम तो मैंने 1 घंटे वर्क करा और मैं फ़ेल हो गई, क्योंकि सारे प्रोसीजर सेम नहीं थे। उसकी वजह से जब मैंने आइकन क्लोज़ करा तो देखा कि वो मेन पे ही हो रहा था, मेन पे ही काम चल रहा था। तो कितनी बार मेरा कितना टाइम भी बर्बाद हुआ और चीज़ें नहीं समझ में आई, इसीलिए मैंने एक बहुत ही सिंपल वीडियो रखा कि आप कैसे कॉपी को, किसी भी इमेज को पेस्ट करोगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके उस पर वर्क कर सकते हो। तो एक बार मैं और एक बिल्कुल इजी वे में आपको फिर से बताती हूँ कि कुछ नहीं करना होता है इसमें। इसमें सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड लेना होता है, एक नया आर्टबोर्ड लेना होता है, उसके ऊपर वो एक बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, एक नया कितने भी साइज़ का आपने एक न्यू फाइल लेनी है। उसके बाद आपने अपनी इमेज को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है, फिर आपने कंट्रोल टी करके और उसको एडजस्ट करना है, और फिर अपना काम पूरा, जो भी आपका वर्क है आप उसे ट्रेस करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। फिर कंप्लीट होने के बाद जो हमारी मेन टैम्पलेट है, जो सेकंड नंबर पे जो सेकंड लेयर है, उसका आई आइकन क्लोज़ करके आप देख सकते हो कि आपने कितना ट्रेस किया या आपका कितना काम हुआ। तो ये बहुत इजी है, पर अगर कोई सही चीज़ ना समझ में आए तो ये बहुत ही टफ़ होता है। और फिर आपने अपना ब्रश हमेशा राउंड हार्ड ही अभी तो मैंने रखा है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ईजी होता है, पर एज अ बिगनर जिसको नहीं पता होता है, फर्स्ट टाइम आता है, उसको काफ़ी टफ़ हो जाता है और बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है। इसीलिए मैंने बिल्कुल ऐसे सिंपल एक ट्यूटोरियल तैयार करी है कि जिससे किसी को भी समझ में आ जाए।
आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो में हमने बस इमेज को ट्रेस करा है। आगे का प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको शेडिंग देना, कलर करना और बाकी चीज़ें। तो ये रहा फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।